एवरीवन, दिस इज शुभित रुग्नाथ एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सबूत। तो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, एंड आई होप आप सब उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी किए होंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, अब लास्ट का समय है, थोड़ा सा रेस्ट करिए। और हाँ, एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा। एक न्यूज़ जो आ रही है कि कुछ सेंटर्स हैं, बेसिकली 4 सेंटर हैं जिनके लिए एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। वो सेंटर्स आपके हैं नासिक, औरंगाबाद, अगरतला एंड शिलोंग। तो ये 4 सेंटर पर जिनका भी एग्ज़ाम रहा होगा उन्हें इंटीमेट कर दिया गया होगा थ्रू टेक्स्ट मैसेज और ईमेल, सो चिंता की बात नहीं है। हाँ, जब भी यूट्यूब नोटिफिकेशन आ रहा होगा दैट एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम हैज़ बिन पोस्टपोन, तब एक बार सबको जरूर लग रहा होगा कि अरे उनका भी हो गया। तो ऐसे र्यूमर पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, केवल 4 सेंटर पे हुआ है पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि अब इसका अफेक्ट आपको ये कैसे करेगा, तो एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है और वो ये हो सकता है कि मेंस एग्जाम की डेट, पहले लग रहा था कि 31 जुलाई को श्योर है कि मेंस हो जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टाइम से करा रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, लेकिन क्योंकि अब कुछ लोगों का प्री भी पोस्टपोन हुआ है तो हो सकता है उनका प्री कराने के बाद ही मेंस सबका साथ में कराना चाहे, हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर। तो मेंस की डेट आगे जा सकती है एंड दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू, आपको और टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए अगर ऐसा होता है तो स्टिल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर पोस्टपोन होता है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू ऑल, कोई भी चिंता मत करें। कल से आपके एग्जाम है, 10, 11, 12, 13 जब भी आपका पेपर है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी रेडी कि आपको बस जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपको वहां पे जाके सार्थक करना है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट मेन्स एग्जामिनेशन डेट, डोंट वरी अबाउट द पोस्टपोन, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अब आपका नहीं होगा, होना होता अब तक हो गया होता, जिनका होना था उनका हो गया। अभी बस प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।